ऑलराइट ड्यू टू फैमिली वेलकम माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो भाई स्वागत है आपका एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज है एपिसोड नंबर 6 और आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं बार्क बस्टर्स हैंड गार्ड और हम एक टेल लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ मैंने एक वेबसाइट से ये मंगाया है बार्क बस्टर्स और अमेजोन से मैंने ये टेल लाइट मंगाई है। तो ये सबसे सस्ता मॉड होने वाला है, लगभग 250 रुपये की मुझे ये टेल लाइट देखने को मिली है। तो इसको GT में इंस्टॉल करेंगे पीछे और बार्क बस्टर्स हम इंस्टॉल करेंगे हैंडल बार में। तो बाकी क्या, बाकी सब तो बढ़िया है। तो इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और जो नहीं जानते तो भाई हम बना रहे हैं अपनी GT 650 को स्क्रैम्बलर 650। तो पूरा एस्थेटिकली सारी चीज़ हो रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ताकि इसको बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमारी टूरिंग भी आसान हो जाएगी और ऑफ रोड और जितने भी टेरेंस आएंगे टर्मैक वगैरह सारी चीज़ आराम से ये गाड़ी रजिस्ट कर जाए। और कैफे रेसर तो हम चला ही चुके थे 3 साल से, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है इसको अच्छा स्क्रैम्बलर बनाने का। सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं तो मेक श्योर आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा। तो भाई हमारा कुछ हैंड गार्ड ऐसा आता है बार्क बस्टर्स का। तो बार्क बस्टर अगर बात करेंगे 1, 2, 3 इतने सारे आइटम हैं। जो ये फ्रेम होता है ना भाई, तो ये रहा हमारा पूरा एल्यूमिनियम का जो कि प्रोटेक्शन देगा नकल्स को। तो 2 ये हो गए हैं और फिटमेंट सारे इसके अंदर रखे हुए हैं। ये फिटमेंट्स 1, 2, 3 और ये बार्क बस्टर्स के स्टिकर्स हैं। फोकस, हाँ तो ये फोकस। तो ये सारी चीज़ है, इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐसा कुछ सामने यहाँ रहेगा। यहाँ बार्क बस्टर्स लिखा रहेगा यहाँ पे। तो ये दोनों सेम जगह और 2 फ्लैप यहाँ नीचे रहेंगे। तो भाई बहुत ही ऑसम लगने वाला है बार्क बस्टर्स। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। और ये हमने टेल लाइट मंगाई थी जो आप देख रहे होगे। तो ये अमेजोन से मैंने लगभग 250 रुपये की मुझे पड़ी है और इसका लुक अच्छा आ रहा था। इसका हम ये निकाल देंगे ये चीज़ और इसको डायरेक्ट ही ऐसी फिट करेंगे तो प्रॉपर स्क्रैम्बलर का लुक आएगा। और यहाँ 3 लाइट वाला भी है तो हम अपनी बाइक में लगा सकते हैं ताकि ब्रेक्स वगैरह, ब्रेक, रनिंग लाइट, ब्रेकिंग और नेगेटिव, तो इसके लिए काम आएगा। तो ये सेट करते हैं। और आपको एक और चीज़ बतानी थी, वो है यह है भाई हमारे घर में फ्रिज। फ्रिज 18 साल से चल रहा था जो हमारा पहले का वर्पूल का था। तो अभी सडनली मम्मी का लैपटॉप भी ख़राब हो गया, पहले ब्लॉग में देखे होगा, फ्रिज भी ख़राब हो गया। तो मम्मी भी सैड थी, बाप रे इतने सारे खर्चे हो रहे हैं। तो हमको अभी निकलना था 15 तारीख को, तो फिर हमने सोचा घर पहले आता है। तो राइड को हमने कर दिया कैंसिल कि अब हम इस महीने के लास्ट में जाएंगे जब यूट्यूब की सैलरी आएगी। तो हमने पैसा यहाँ लगा दिया फ्रिज में। तो LG का एक रेफ्रिजरेटर लेके आए हैं, डबल डोर। पहले हमारे घर में सिंगल डोर था, ये देखो सिंगल डोर वाला रेफ्रिजरेटर जो कि बहुत बहुत ख़राब हो गया। अब 18 साल हो गए इसको चलते चलते। तो फाइनली अब हमने ये ले लिया है। मम्मी अभी ऑफिस में है तो आती होंगी। तो भाई यार यही रहती है फीलिंग यार, घर वालों के लिए कुछ करो ना तो अलग ही फीलिंग आती है। इससे ज़्यादा, इससे 10 गुना ज़्यादा मैं अपनी GT पे लगा देता हूँ जो वहाँ पे रखी है, उसमें मॉडिफिकेशन चल ही रहे। तो लेकिन घर वालों के लिए कुछ करो उसके लिए तो फिर अलग ही लगता है। बाकी आप हमारे हाथ में देखेंगे तो थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, बहुत पेन हो रहा था कुछ दिनों से। तो हमने पट्टी लगा ली है ऑफ रोडिंग कर करके। हमने हेडलाइट वापस से स्टॉक कर दी है। तो भाई अब लग रहा है ना रुक स्क्रैम्बलर का, बस अब हैंड गार्ड की कमी है। यहाँ हैंड गार्ड्स लग जाएंगे ना तो और धांसू लग जाएगा। तो चलो अब इसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट सारी चीज़। तो भाई सबसे पहले इसको निकालते हैं हम। तो ये हैंड गार्ड किस लिए होता है, ताकि अभी हम रैली ऑफ रोड करते हैं तो हाथ हमारा सेव रहे, क्योंकि एकदम से पेड़ एड़ झाड़ाड़ से हाथ टकराता रहता है गाड़ी। तो ये गार्ड हमको प्रोटेक्शन देगा, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा तो इस पे लगेगा, लीवर ब्रेक नहीं दबेंगे तो इसके लिए होता है ये हैंड गार्ड। तो भाई काफ़ी मशक्कतों के बाद अभी पहले इतना हम एक साइड का लगा दिए, सारे जॉइंट्स अभी हम ढीले रखे हैं ताकि एंड में सारी चीज़ लगा के उसको टाइट कर देंगे।
तो भाई कुछ ऐसा सीन है हमारी पीछे टेल लाइट का, अब इसको आपको मैं जला कर दिखा देता हूँ भाई कि जलाने में कैसी चल रही है। तो ये फुल LED है और मात्र सिर्फ 210 या 220 रुपए की है। तो ये ऐसे में है, अभी देखो नहीं जल रही है, लाइट जलाया है, ये देखो ब्लिंक कर रही है भाई। रात में और अच्छे से दिखा देता पर इसका ब्राइटनेस भी बहुत तेज़ है, लुक भी बहुत कातिल आ रहा है, एकदम डुकाटी का डुकाटी स्क्रैम्बलर का फील आ रहा है। तो ऐसे से पीछे है कुछ, तो बार्क बस्टर्स हमारे लग चुके हैं, देख ही रहो भाई कितने प्रीमियम लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये एक्स हमारी हेडलाइट स्टॉक हेडलाइट है, इस पर मैंने विनाइल एक्स कर दिया है, तो जिससे जो प्रॉपर स्क्रैम्बलर का लुक आ रहा था, कई लोग कह रहे थे भाई वो हेडलाइट नहीं अच्छी लग रही, और सही में वो उतनी अच्छी रेट्रो फील नहीं ला के दे रही थी भाई, बहुत ही। और ये बहुत ही सॉलिड भी है, आराम से कोई भी टैकल, कोई भी अगर गाड़ी गिरेगी भी तो पूरा वो सपोर्ट ले लेगा, जिससे प्रॉपर स्क्रैम्बलर का लुक आ रहा है। साइड से, फ्रंट से, कहीं से भी देखो प्रॉपर, यहाँ से भी अच्छा फील आ रहा है, अच्छा लुक आ रहा है यहाँ से भी, पूरा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हाथ का प्रोटेक्शन है। इसके साथ एक और कवर मिलता है, जो अगर आपको और विंड रिडक्शन वगैरह करना है तो आप बढ़ा सकते हो, बट मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो मोटो व्लॉग में भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और कैसा लग रहा है ये बार्क बस्टर्स और LED टेल लाइट, है ना, अच्छी लग रही हो तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसकी प्राइस लगभग समवेयर अराउंड 3500 थी और टेल लाइट लगभग 200 रुपए की थी, उसको और अच्छे से फिक्स करना है, बाकी लुक तो बहुत कातिल आ गया है। एक प्रॉब्लम आ गई है कि मैंने जब से स्टॉक हेडलाइट लगाई ना, तो अभी सिनेमैटिक के लिए मैंने ये लाइट चालू किया और वो उसमें 110 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है, वो बहुत तेज पावर खींच रहा है, इसलिए गाड़ी देखो बैटरी उतर गई है। तो मुझे लग रहा है यह प्लान चेंज करना पड़ेगा, LED ही लगाता हूँ इसमें हेडलाइट, प्लस उसके ऊपर ग्रिल लगा लेता हूँ, तो जिससे एक स्क्रैम्बलर का भी लुक रहेगा और लाइट भी रहेगी। हैलोजन बल्ब बहुत तेज चूस रहा है बैटरी, स्विच लगाने के बाद भी वो चूस रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा। तो यही थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी, इंस्पिरेशन भी लगी, घर वाला गिफ्ट, तो यार आप लोग भी मेहनत करो और घर वालों के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ करो, तो बाकी सब तो हो ही जाता है। और एक और कॉन्सिक्वेंसेस देखो, मैंने सोचा कि ले लेंगे तो मेरी ट्रिप नहीं हो पाएगी, तो मैंने फिर भी घर वालों का सोच के किया, और नेक्स्ट डे मेरे पास ही एक ब्रांड कोलैबोरेशन आया, जो उसके पहले आप देखे होंगे, वन वेन का, तो उतने ही पैसे मुझे अगले दिन वापस भी हो गए। तो भाई कहीं ना कहीं भगवान देखता रहता है यार, कि अच्छी चीज़ को वो सराहता भी है, तो इसलिए नो, ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं, कुछ भी करोगे मतलब अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ये तो मैं देखता आ रहा हूँ, समझ रहा हूँ इतने सालों से, कि अगर हल्का सा भी बुरा करोगे तो आपके साथ ही बुरा होगा, और अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा फल मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में, मतलब सेकेंड लास्ट एपिसोड में टायर, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे सस्पेंशन के साथ ये स्क्रैम्बलर का वीडियो, और टूरिंग हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ मी, भाई बहुत पसीना आ रहा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है। सो दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।